हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा वीडियो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। रीट लेवल 1, रीट लेवल 2 और पटवार परीक्षा की तैयारी कर रहे, एसआई की तैयारी कर रहे, एसएससी के कंपटीशन एग्जाम में सम्मिलित होने वाले स्टूडेंट्स के लिए और इसके अलावा जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उन सभी के विद्यार्थियों के लिए हमारा आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। आज के वीडियो में हम बात करेंगे हमारे कंकाल तंत्र के पूरे विस्तृत विवरण, डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन हम आज हमारे स्केल्टन सिस्टम का डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसमें आपको एक एक बोन, 206 हड्डियाँ जो हैं हमारी, उसमें एक एक बोन आपको क्लियर कर देंगे कि कौन सी बोन कहाँ अवस्थित है और उसकी विशेषता क्या है। स्टूडेंट्स, तो टॉपिक डिस्कस करने से पहले सब्सक्राइब कर दें हमारे यूट्यूब चैनल को और साथ ही साथ बेल आइकन का बटन भी ऑन कर दें। और यदि आप संबंधित व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होना चाहते हैं, जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उनके व्हाट्सएप ग्रुप जो हैं वो हमारे द्वारा बनाए जा चुके हैं, यदि आप उसमें ऐड होना चाहते हैं तो आप स्क्रीन पर दिए गए मोबाइल नंबर 9928782905 पर अपना नाम, पता व जिस व्हाट्सएप ग्रुप में आप ऐड होना चाहते हैं उसका नाम, जिस भी कंपटीशन की आप तैयारी कर रहे हैं उसका नाम लिखकर हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन का बटन ऑन करना मत भूलिएगा, क्योंकि बेल आइकन का बटन ऑन करने के बाद जितने भी इंपॉर्टेंट वीडियो आपके लिए हमारे द्वारा अपलोड किए जाते हैं वो सब, उन सब का नोटिफिकेशन आपके नोटिफिकेशन बॉक्स में मिल जाएगा। आप प्लेलिस्ट में जाकर आपकी कंपटीशन एग्जाम से संबंधित प्लेलिस्ट तैयार की गई है, उस प्लेलिस्ट में जाकर आप संबंधित वीडियो जो है वो देख सकते हैं। तो अब हम शुरू कर रहे हैं हमारा स्केल्टन सिस्टम, जिसका एक वीडियो मैं पहले भी अपलोड कर चुका हूँ। यदि आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, तो उस लिंक से जाकर आप वो वीडियो देख सकते हैं जिसमें आपको 206 हड्डियाँ जो हैं हमारी वो काउंट करवाई हुई है 1 बाई 1। तो अब मूव करते हैं हमारे टॉपिक की ओर, स्केल्टन सिस्टम। स्केल्टन सिस्टम तो ये ह्यूमन कंकाल जो है, ह्यूमन स्केल्टन जो आपको दिखाई दे रहा है, इस पर एक बार फिर मैं आपको 206 हड्डियां वो गिनाने वाला हूं। तो सिर में हमारे कितनी थी, 29। सिर में 29 अस्थियां थी। 29 कैसे थी वो भी 1 बाई 1 आप देख सकते हैं। हमारी खोपड़ी के अंदर 8, चेहरे में 14, कान में 6 और एक होइडस थी जो कि जीभ के बिल्कुल आधार तल पर स्थित होती है, गर्दन के बिल्कुल ऊपर, जीभ के बिल्कुल आधार तल पर होइड अस्थि। तो 29 सिर में हो गई, 8 तो खोपड़ी की, 14 चेहरे की, 6 कान की और एक होइड अस्थि। ये सारी एक एक करके मैं आपको आज क्लियर कर दूंगा इनकी विशेषताएं भी। उसके बाद हमने बात की थी सिर के बाद वक्ष की, तो वक्ष में 25 अस्थियां, 1 प्लस 24। एक तो स्टर्नम है जो बिल्कुल बीचों बीच आपको दिखाई दे रही है, ये वाली जो बिल्कुल सेंटर में आपको दिखाई दे रही है ये वाली अस्थि, ये स्टर्नम है बिल्कुल सेंटर वाली। और 24 पसलियां हैं, 12 एक साइड 12 एक साइड। तो वक्ष में टोटल 25, 1 प्लस 12 प्लस 12, एक तो स्टर्नम होगी, 12 दाईं ओर की पसलियां, 12 बाईं ओर की पसलियां। अब चले हम हमारी पीठ पर, तो पीठ में हमारी 26 कशेरुक हैं, ये हमारी पीठ हो गई। इसमें 26 कशेरुक जो ग्रीन कलर में आपको दिखाई गई है वो कशेरुक दंड दिखाई गई है, 26 कशेरुक हैं, जिसमें 7 ग्रीवा कशेरुक हैं, 7 ग्रीवा कशेरुक, 12 वक्ष कशेरुक हैं, 5 कटी कशेरुक हैं, एक सेकेरम है और एक पुच कशेरुक है। तो ये टोटल 26 अस्थियां हमारी पीठ में है। अब अंश मेखला में 2, एक कोलर बोन और एक स्केपुला, एक कोलर बोन और एक स्केपुला, और क्योंकि 2 अंश मेखलाएं हैं तो एक अंश मेखला में 2 अस्थियां हैं, 2 अंश मेखला में 4 हो जाएंगी,
तो एक अंश मेखला में एक प्लस एक यानी एक कोलरबोन और एक स्कैपुला इंटू दो, क्योंकि दो अंश मेखला है तो इंटू दो किया हुआ है, तो चार अस्थियां अंश मेखला की हो गई। आगे चले हम हाथ में, तो एक हाथ में टोटल 30 अस्थियां हैं, तो दोनों हाथों में 60 हो जाएंगी। एक हाथ में 30 है, दोनों हाथों में 60 हो जाएंगी। ये पिछले वीडियो में मैंने आपको वन बाई वन काउंट करवाई हुई है, तो जिन्होंने पिछला वीडियो नहीं देखा है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, तो वहां से आप पहले पिछला वीडियो देख ले, फिर ये वीडियो देखे तो आपको बहुत बेहतर तरीके से क्लियर होगा। अब हाथ की 30 गिने तो एक ह्यूमरस हो गई, फिर एक रेडियस, एक अल्ना, 8 कार्पल्स, 5 मेटाकार्पल्स और 14 फ्लिंजस। तो एक ह्यूमरस, एक रेडियो, एक अल्ना, 8 कार्पल्स, 5 मेटाकार्पल्स, 14 फ्लिंजस। ये एक हाथ की इंटू दो, क्योंकि दो हाथ है तो इंटू दो किया हुआ है, तो 60 हस्तियां आपके पास हाथ की आ जाएंगी। उसके बाद चले हम श्रोणि मेखला, पैल्विक गर्डिल पर। तो पैल्विक गर्डिल में एक अस्थि मानी जाती है जिसमें तीन संरचनाएं प्यूबिस, इलियम और इश्चियम होती हैं, वो भी आज क्लियर कर दूंगा मैं आपको। प्यूबिस, इलियम और इश्चियम, ये तीन संरचनाएं होती हैं श्रोणि मेखला के अंदर, अस्थि एक ही मानी जाती है ये। एक अस्थि श्रोणि मेखला में दाई ओर, एक अस्थि बाई ओर, तो दो अस्थियां श्रोणि मेखला की, तो श्रोणि मेखला की दो अस्थियां, एक इंटू दो, एक हिस्से में एक अस्थि मानी जाती है इंटू दो, क्योंकि दो श्रोणि मेखलाएं हैं। अब चले पैर में, पैर में देखें तो टोटल 30 अस्थियां हैं, जिसमें से एक फीमर जो कि सबसे बड़ी है, फिर एक पटेला जो कि घुटने की अस्थि है, उसके बाद एक टिबिया, एक फिबुला, फिर सात आपके पास टोर्सल हैं, सात टोर्सल हैं, फिर पांच मेटाटोर्सल हैं और 14 फ्लिंजस हैं। तो पैर में कितनी है? 60। अब एक पैर में 30 हैं, 30 कैसे हैं? एक फीमर, एक पटेला, एक टिबिया, एक फिबुला, सात टोर्सल, पांच मेटाटोर्सल और 14 फ्लिंजस इंटू दो, क्योंकि दो पैर है तो इंटू दो किया हुआ है। इस प्रकार ये टोटल काउंटिंग करेंगे आप, तो 206 हड्डियां आपके पास बन जाएंगी। तो टोटल 29 सिर की, 25 वक्ष की, 26 पीठ की, 4 अंश मेखला की, 60 हाथ की, 2 श्रोणि मेखला की, 60 पैर की, तो टोटल आ गई 206। ये 206 मैंने पिछले वीडियो में काउंट करवाई है। मैं फिर रिक्वेस्ट करूंगा, बार बार आपको कह रहा हूं कि आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से पहले पिछला वीडियो देखें, फिर इस पर आए, तो आपको बहुत बेहतर तरीके से आपका स्केल्टन सिस्टम क्लियर होने वाला है। अब चलते हैं स्टूडेंट्स हमारे सिर की ओर। सिर, वक्ष और पीठ को अक्षीय कंकाल तंत्र कहा जाता है। उसके बाद आता है उपांगीय कंकाल तंत्र, अंश मेखला, हाथ, श्रोणि मेखला और पैर, ये उपांगीय कंकाल तंत्र है। कल के वीडियो में मैंने ये बताया था आपको। तो इस प्रकार अक्षीय कंकाल तंत्र में टोटल 80 अस्थियां हैं, 29 सिर की, 25 वक्ष की, 26 पीठ की, 80 अस्थियां अक्षीय कंकाल तंत्र में है, और बाकी की 126 अस्थियां जो है वो उपांगीय कंकाल तंत्र में है। अब चलते हैं अक्षीय कंकाल तंत्र की ओर, जिसमें सबसे पहले देखने वाले हैं हम सिर की अस्थियां, जिसमें सिर में भी बोन्स ऑफ स्कल यानी खोपड़ी की अस्थियां, तो खोपड़ी में कितनी थी? 8। अब वो 8 अस्थियां आप देख सकते हैं, एक फ्रंटल, दो पेराइटल, फिर एक स्फिनोइड, दो टेम्पोरल, एक ऑक्सीपिटल और एक एथमोइड। एक एथमोइड अस्थि है, एक फ्रंटल अस्थि है, उसके बाद एक स्फिनोइड है, दो टेम्पोरल है, एक ऑक्सीपिटल है और दो पेराइटल है। इसको भी याद रखने का तरीका बता देता हूं आपको। ई और एफ, ई से शुरू किया, ई एफ, ई इथमोइड, एफ फ्रंटल, उसके बाद STOP, STOP स्टॉप, STOP स्टॉप, EF स्टॉप, EF स्टॉप, E फॉर इथमोइड, F फॉर फ्रंटल। अब स्टॉप में जो आएंगे, S फॉर स्फीनोइड, T फॉर टेम्पोरल, O फॉर ऑक्सीपिटल, P फॉर पेराइटल। S फॉर स्फीनोइड, T फॉर टेम्पोरल, O फॉर ऑक्सीपिटल और P फॉर पेराइटल। तो जब आप स्टॉप बोलेंगे तो STOP, 1 2 1 2, एक स्फीनोइड, दो टेम्पोरल, एक ऑक्सीपिटल, दो पेराइटल,
STOP, स्टॉप यानी एक दो एक दो, EF एक एक हो गई, फिर स्टॉप में एक दो एक दो, तो वो स्टॉप से S फॉर स्फीनोइड हो जाएगी, T फॉर टेम्पोरल हो जाएगी, O फॉर ऑक्सीपिटल हो जाएगी, P फॉर पेराइटल हो जाएगी। तो इस प्रकार आठ हस्तियां आपको दिखाई दे रही हैं। अब इसका अपर व्यू अगर हम देखें तो कुछ इस तरह से आपको दिखेगा, जिसमें आप सबसे बीचों बीच जो स्फीनोइड देख रहे हैं पिंक कलर में, ये तितली नुमा अस्थि। सबसे इंपॉर्टेंट बात कि हमारे मस्तिष्क में कौन सी अस्थि तितली नुमा है, तो इसकी कुछ महत्वपूर्ण बातें देखें। स्फीनोइड तितली नुमा अस्थि, स्फीनोइड मस्तिष्क की तितली नुमा अस्थि है स्फीनोइड, और ऑक्सीपिटल के बीच में जो बिल्कुल सेंटर में आप खड्डा देख रहे हैं, ये ऑक्सीपिटल के बिल्कुल बीचों बीच आपको एक खांच दिखाई दे रही है। इस खांच में कशेरुक दंड आकर एंटर करती है, यानी इसी खांच पर हमारा सिर टिका होता है कशेरुक दंड के ऊपर। ये बिल्कुल खड्डे में कशेरुक दंड एंटर होती है, और कशेरुक दंड की जो अस्थि इसमें एंटर करती है ग्रीवा कशेरुक, वो ग्रीवा कशेरुक होती है एटलस C1। सी फॉर सर्वाइकल, वन फॉर पहली अस्थि, यानी सर्वाइकल वर्टिब्री की पहली अस्थि एटलस होती है, जो इस ऑक्सीपिटल बोन के इस खड्डे में आकर धंसती है। तो इसी खड्डे में कशेरुक दंड के ऊपर ही हमारी खोपड़ी जो होती है, हमारा सिर जो होता है वो टिका होता है, तो ऑक्सीपिटल बोन। और जो स्फीनोइड बोन है उसमें आप बिल्कुल सेंटर में अगर आप देखें, स्फीनोइड बोन के बिल्कुल सेंटर में यहाँ ये जो हिस्सा है स्फीनोइड बोन के बिल्कुल सेंटर का, ये वाला हिस्सा, इसे बोला जाता है सेला टर्सिका। सेला टर्सिका, यहां हमारी पीयूष ग्रंथि स्थित होती है। पीयूष ग्रंथि मस्तिष्क के आधार पर इस खड्डे को, ये जो खड्डा स्फीनोइड बोन के बीचों बीच भरा है मैंने, इसे बोलते हैं हम सेला टर्सिका। सेला टर्सिका इसमें स्थित होती है हमारी पीयूष ग्रंथि। तो इस तरह पीयूष ग्रंथि की जो स्थिति है वो स्फीनोइड बोन के बीचों बीच सेला टर्सिका गड्ढे के अंदर है। तो ये मस्तिष्क की मेन मेन हड्डियों की विशेषताएं आपको बताई मैंने खोपड़ी की। उसके बाद चले हम बोन्स ऑफ फेस एंड होल्ड बोन। फेस की, हमारे चेहरे की जो अस्थियां हैं 14 अस्थियां, और होल्ड बोन। अब चेहरे की 14 अस्थियों की पहले हम बात कर रहे हैं, तो ये चेहरे की 14 अस्थियां आपको दिखाई दे रही हैं, जिसमें वन बाई वन आप देखें तो जो येलो कलर में आपको दिखाई दे रही हैं वो है मैक्सिलरी बोन्स, येलो कलर वाली मैक्सिलरी बोन्स, येलो कलर में जो आपको दिखाई दे रही है, दो मैक्सिलरी बोन्स आपको दिखाई दे रही हैं, एक तो ये हो गई और दूसरी ये हो गई। तो दो मैक्सिलरी बोन्स हैं, दो मैक्सिलरी बोन्स। हिंदी में बोलने अगर अपने तो उद्धरव हनवा अस्थियां, उद्धरव हनव अस्थियां, उद्धरव हनवास्थियां। ये जो दो मैक्सिलरी बोन्स हैं ये ऊपरी जबड़े का निर्माण करती हैं, तो ऊपरी जबड़े का निर्माण करने वाली है मैक्सिलरी बोन्स, ऊपरी जबड़े का निर्माण करती हैं मैक्सिलरी बोन्स। उसके बाद हम चलें मैंडिबल, जो नीचे आपको दिखाई दे रही है पर्पल कलर के अंदर, मैंडिबल अधोहनवास्थि, अधोहनव अस्थि। ये जो है गतिशील अस्थि है, निचले जबड़े की हड्डी माना जाता है इसको, मैंडिबल निचले जबड़े की हड्डी है। ऊपर वाली मैक्सिलरी दो हड्डियां हैं, नीचे मैंडिबल एक है, निचले जबड़े का निर्माण करती है मैंडिबल। और उसमें उसके बाद हम चलें तो जो जाइगोमेटिक आपको दिखाई दे रही है, दो जाइगोमेटिक, इसे कपोल अस्थियां बोला जाता है। ये जाइगोमेटिक दो दिखाई दे रही हैं आपको, जाइगोमेटिक अस्थियां, कपोल अस्थियां, कपोल यानी गाल, गाल की अस्थियां कहलाती हैं ये जाइगोमेटिक। इंपॉर्टेंट बात है कौन सी अस्थियां गाल की अस्थियां हैं, तो गाल की अस्थियां कौन सी हैं, जाइगोमेटिक कपोल अस्थियां। कपोल अस्थियां आम बोलचाल की भाषा में बोलते हैं चिक बोन, चिक बोन बोला जाता है इनको, चिक यानी गाल, बोन यानी हड्डी, गाल की हड्डी कहलाती है ये जाइगोमेटिक। ये विशेष बातें ध्यान रखना, कौन सी हड्डी गाल की अस्थि है या कपोल अस्थि है, चिक बोन के नाम से जानी जाती है, जाइगोमेटिक। उसके बाद आती है पैलेटाइन, दो पैलेटाइन है, पैलेटाइन, ये पैलेटाइन जो आपको दिख रही है, इन्हें हम तालू की अस्थियां कहते हैं।
तालु पर स्थित होती हैं ये अस्थियां, पैलेटाइन, तालु की अस्थियां, तालवास्थियां, तालु की अस्थियां बोलते हैं इनको। तो ये ध्यान रखना, तालु की अस्थियां कौन सी हैं, तो ये पैलेटाइन, गाल की अस्थियां जाइगोमेटिक। उसके बाद आती हैं लैक्रिमल, लैक्रिमल बोन्स, अश्रु अस्थियां हैं, आंसुओं का निर्माण करने वाली हैं लैक्रिमन, लैक्रिमल बोन्स, अश्रु अस्थियों के नाम से इन्हें जाना जाता है, लैक्रिमल बोन्स को। उसके बाद आती है हमारे नाक की अस्थियां। नाक में आप देखें तो दो तो नेजल है ऊपर, ये दो नेजल है पिंक कलर में आपको दिखाई दे रही है ऊपर वाली दो नेजल बोन्स ये। उसके बाद दो इन्फीरियर नेजल कोंचा, इन्फीरियर नेजल कोंचा, ये जो ग्रीन कलर में आपको दिखाई दे रही है इन्फीरियर नेजल कोंचा, इन्फीरियर नेजल कोंचा, नासा शुक्तिका अस्थिया, नासा शुक्तिका अस्थिया, इन्फीरियर नेजल कोंचा, टर्बिनेट बोन बोला जाता है इन्हें, ये ध्यान रखना, टर्बिनेट बोन, टर्बिनेट बोन के नाम से इन्हें जाना जाता है। और मुड़ी हुई पत्तियों के समान ये दिखाई देती हैं, जैसे मुड़ी हुई पत्तियां होती हैं उनके जैसी ये दिखाई देती हैं, इन्फीरियर नेजल कोंचा। उसके बाद एक है वोमर बोन, वोमर बोन एक, ये जो एक रहेगी बिल्कुल सेंटर में नाक की, सिरिका अस्थि बोलते हैं इसे, वोमर बोन, वोमर बोन, वोमर बोन, सिरिका अस्थि, वोमर बोन। तो ये जो हड्डी है चतुर्भुजीय हड्डी जो आपको दिखाई दे रही है चतुर्भुज की शेप में, ये बिल्कुल दोनों नासिका गुहाओं के सेंटर में होती है, जो हमारे दो नासिका गुहा है उनके बिल्कुल बीचों बीच ही होती है। और ये हड्डी जो होती है कई बार नासिका गुहा में एक तरफ ज्यादा खिसक जाती है, नासिका गुहा में एक तरफ ज्यादा खिसक जाती है और उस नासिका गुहा को बंद कर देती है। और कई बार एलर्जी की जब होती है तो ये हड्डी जो है वो थोड़ी सूजन आ जाती है इसमें, जिससे दोनों नासिका गुहाएं बंद हो जाती है। तो नाक को बंद करने वाली हड्डी यही है, वोमर बोन ही है। क्लियर। अब वापिस देख ले, मैग्जिलरी बोन्स यानी मैग्जिला दो हैं जो कि ऊपरी जबड़े का निर्माण करती हैं, मैंडिबल एक है गतिशील है ये निचले जबड़े का निर्माण करती है। गाल में जाइगोमेटिक अस्थियां हैं, कपोल अस्थियों के नाम से जाना जाता है। तालु में पैलेटाइन है, तलवास्थियों के नाम से जानी जाती हैं। उसके बाद दो अश्रु ग्रंथियां हैं लैक्रिमल जो कि आंसुओं का निर्माण करती हैं। उसके बाद बची नाक की, नाक में पांच अस्थियां हैं, दो नेजल, दो इन्फीरियर नेजल कोंचा और एक वोमर। तो ये हमारे चेहरे की 14 अस्थियां आपके सामने हैं। उसके बाद होइड बोन, वोमर, ये ध्यान रखना वोमर और मैंडिबल एक एक ही है, दो ही अस्थियां जो एक एक हैं, वोमर और मैंडिबल, बाकी सारी दो दो हैं। उसके बाद चले होइड बोन पर, होइड बोन, होइड अस्थि, ये जो रेड कलर में आपको दिखाई दे रही है जीभ के बिल्कुल आधार पर स्थित होती है ये मैंडिबल, होइड अस्थि, जीभ के बिल्कुल आधार पर, मैंडिबल के बिल्कुल नीचे की ओर, और गर्दन, और ये मान लें आप गर्दन और अपने जो चेहरा है मैंडिबल है उसके बिल्कुल बीच में ये अस्थि स्थित होती है, होइड अस्थि जो रेड कलर में आपको दिखाई दे रही है, हॉर्स शू शेप में होती है ये, हॉर्स शू शेप। तो इसकी आकृति अगर आप देखें पेक्चुअल शेप इसकी ये है, हॉर्स शू शेप, हॉर्स शू शेप के नाम से इसे जाना जाता है होइड अस्थि को। तो ये एक होइड अस्थि आ गई। तो इस प्रकार 8 आ गई सिर की, 14 आ गई फेस की, एक आ गई, 8 तो आ गई खोपड़ी की, 14 आ गई फेस की, एक आ गई होइड अस्थि। अब चले हमारे कान की अस्थियों पर, ईयर बोन्स, क्रेनियल बोन्स। तो हमारे कान में तीन अस्थियां जो आपको दिखाई दे रही हैं, स्टेपिस सबसे छोटी अस्थि है, इनकस और मैलियस, तो हमारी बॉडी की सबसे छोटी अस्थि है स्टेपिस। तो ये कान की अस्थियां हैं स्टेपिस, इनकस और मैलियस, तीन अस्थियां एक कान में, तीन दूसरे कान में, तो तीन एक कान में, तीन दूसरे कान में, तो 6 अस्थियां कान की हो जाएंगी। बोन्स ऑफ रिब केज, हमारा जो वक्ष है उसमें रिब केज जो है, रिब यानी पसलियां, पसलियों का एक पिंजरा,
की तरह हमारा वक्ष दिखाई देता है, जिसमें टोटल 25 अस्थियां हैं। तो ये रिब केज आपको दिखाई दे रहा है, जिसके बिल्कुल बीचों बीच आपको स्टर्नम दिखाई दे रही है, स्टर्नम, और 24 पसलियां दिखाई दे रही हैं, 24 पसलियां, 12 एक साइड, 12 एक साइड। ये वक्ष की कशेरुक से निकलती हैं, थोरेसिक कशेरुक से निकलती हैं, ये थोरेसिक वर्टिब्री से निकलती हैं। तो 12 थोरेसिक वर्टिब्री हैं, हर वर्टिब्री से एक रिब निकलती है, तो 12 ही पसलियां हो गई, 12 दाईं ओर, 12 बाईं ओर, तो 24 पसलियां हो गई, एक स्टर्नम हो गई, टोटल 25। अब आप बिल्कुल नीचे वाली अगर रिब देख रहे हैं, ये नीचे वाली रिब 11वीं और 12वीं रिब अगर आप देख रहे हैं, तो ये जुड़ी हुई नहीं है, बाकी रिब तो क्या स्टर्नम से आकर जुड़ गई, बाकी रिब तो ये देखें आप, तो यहां वर्टिब्री से निकली, वर्टिब्री से निकली और घूमकर आकर ये स्टर्नम से जुड़ गई, तो ये पूरी जुड़ी हुई है। लेकिन ये नीचे वाली जो 11वीं और 12वीं पसली है, ये स्टर्नम से जुड़ी हुई नहीं होती, इसलिए इन्हें फ्लोटिंग रिब्स के नाम से जाना जाता है। 11वीं और 12वीं रिब्स जो है फ्लोटिंग रिब्स कहलाती हैं, फ्लोटिंग रिब्स। उसके बाद चले हम बोन्स ऑफ पेक्टोरल गर्डल, शोल्डर बोन, बोन्स ऑफ पेक्टोरल गर्डल, शोल्डर बोन, अंशमेखला। अंशमेखला की अस्थियां देखें, तो यहां आप देखें पिछला डायग्राम एक बार, तो ये आपको यहां देखें आप, ये आपको अंशमेखला दिखाई दे रही है, ये वाली, ये अंशमेखला है। तो अंशमेखला में कौन कौन सी अस्थियां हैं वो देख लें आप। तो अंशमेखला में एक तो है स्कैपुला, जिसे हम शोल्डर ब्लेड के नाम से जानते हैं, स्कैपुला, और एक है कैल्विकल कोलर बोन। तो ये दो अस्थियां होती हैं, कैल्विकल और एक कोलर बोन। अब ये एक्रोमियोन है, देखो एक्रोमियोन, एक्रोमियोन ये अस्थि नहीं है, ये स्कैपुला से ही जुड़ी हुई होती है बिल्कुल, ये अस्थि नहीं होती अलग से, ये इसमें कोई जॉइंट, जैसे ये जॉइंट आपको दिख रहा है, ऐसा कोई जॉइंट नहीं होता एक्रोमियोन और स्कैपुला में। अगर मैं आपको स्कैपुला, ये अंशमेखला का बैक साइड दिखाऊं, तो ये घूमी हुई अंशमेखला दिखाऊं, तो आप देख सकते हैं ये जो कांटेनुमा संरचना निकली हुई है, ये वाली, ये एक्रोमियोन है, ये एक्रोमियोन है, देखो ये संरचना एक्रोमियोन है, और स्कैपुला का ही भाग है, देखो यहां कोई जॉइंट नहीं है इस जगह पर, कोई भी जॉइंट नहीं है इस जगह पर, ये जगह अगर आप देख रहे हैं तो यहां कोई जॉइंट आपको दिखाई नहीं दे रहा है, ये इसी का ही हिस्सा है। तो ये एक्रोमियोन, ये एक्रोमियोन संरचना होती है स्कैपुला की, और इससे आकर जुड़ती है हमारी कैल्विकल यानी कोलर बोन। इसलिए जहां कैल्विकल, जहां कैल्विकल स्कैपुला से जुड़ती है, उसे हम एसी जॉइंट के नाम से जानते हैं, एसी जॉइंट, ए फॉर एक्रोमियोन, सी फॉर कैल्विकल, एसी जॉइंट अंशमेखला में पाया जाता है, एसी जॉइंट अंशमेखला में। और ये जो, अब ये जो आपको गड्ढा यहां दिखाया गया, ये वाला, ये खांच जो आपको दिखाई गई है यहां, इसे बोलते हैं ग्लिनोइड खांच, ग्लिनोइड खांच, जिसमें ह्यूमरस का सिर धसा होता है, ग्लिनोइड खांच है ये, जिसमें ह्यूमरस का सिर धसा होता है। तो ये संरचना आप यहां देखें, तो ये ग्लिनोइड खांच में ह्यूमरस का सिर आकर धंसता है, तो इसे बोलते हैं ग्लैनो ह्यूमरल जॉइंट, ग्लैनो ह्यूमरल जॉइंट, ग्लिनोइड खांच में ह्यूमरस का सिर आकर धंसता है। उसके बाद चले हम बोन्स ऑफ स्पाइनल कॉर्ड यानी बैकबोन, तो इसमें टोटल हमारे 26 अस्थियां हैं, 26 अस्थियां आप देख सकते हैं, 7 सर्वाइकल वर्टिब्री हैं, जिसमें सबसे पहले वाली जो होती है वो एटलस, सबसे पहले वाली एटलस, ये सबसे पहले वाली एटलस है, ये वाली सबसे पहले वाली एटलस वर्टिब्री कहलाती है, C1, सी फॉर सर्वाइकल, 1 फॉर पहली, C1 से C7 तक होती है ये सर्वाइकल, फिर C1 से C12 तक होती है थोरेसिक, इन्हें T1, T2, T3 बोला जाता है, और फिर 5 होती हैं लंबर कटी कशेरुक, L1, L2, L3, L4, L5 के नाम से जानी जाती हैं, एक होती है सैकेरम और एक होती है कोकिक्स। तो इस प्रकार टोटल 26 वर्टिब्री पाई जाती है हमारी रीढ़ की हड्डी में, स्पाइनल कोड में। उसके बाद चले हम बोन्स ऑफ आर्म एंड हैंड, हाथ की और भुजा की अस्थियां। तो हमारे हाथ में टोटल 30 अस्थियां हैं, एक हाथ में और दो हाथों की 60 हो जाएंगी। वो 30 कौन कौन सी हैं? एक ह्यूमरस, एक रेडियस, एक अल्ना। ऊपर आपको ये जो पार्ट दिख रहा है, ये अंशमेखला है, जिसमें एक कैल्विकल और एक स्कैपुला आपको दिखाई दे रही है, यह अंशमेखला का हिस्सा है।
यहां से हाथ की चाल हो गई, एक ह्यूमरस, एक रेडियस, एक अल्ना। अब आप देखिए ये कलाई में आठ आपको स्पष्ट दिखाई दे रही है, आठ हस्तियां आपने कही थी, ये कलाई में आप गिन सकते हैं, आठ हस्तियां आपको बिल्कुल स्पष्ट दिखाई दे रही हैं। उसके बाद इन आठ को बोलते हैं कार्पल्स, उसके बाद इनसे आती है ये मेटाकार्पल्स, पांच मेटाकार्पल्स आपको दिखाई दे रही हैं, ये पांच मेटाकार्पल्स हैं, हर फिंगर में एक, ये मेटाकार्पल्स, हर उंगली की ओर एक मेटाकार्पल्स जाती है। फिर तीन तीन फ्लिंजस होती है उंगलियों में और दो फ्लिंजस होती है अंगूठे में, तो इस प्रकार 14 फ्लिंजस अस्थियां होती हैं। तो आप हाथ पूरा स्ट्रक्चर देख सकते हैं, ये आपको दिखाई दे रही है कार्पल्स, गिन सकते हैं आप, काउंटिंग में आठ आ रही है आपकी कार्पल्स। उसके बाद मेटाकार्पल्स जो कि आपके हथेली के बिल्कुल बीचों बीच है, मेटाकार्पल्स कलाई में कार्पल्स, हथेली में मेटाकार्पल्स और उंगलियों में फ्लिंजस। तो ये आठ कार्पल्स, पांच मेटाकार्पल्स और 14 फ्लिंजस, 27 तो यही होगी, एक रेडियस 28, एक अल्ना 29 और एक ह्यूमरस 30। तो इस प्रकार हाथ की 30 अस्थियां होती हैं। उसके बाद चले हम बोन्स ऑफ पेल्विक गर्डल, श्रोणि मेखला, तो ये आपको श्रोणि मेखला दिखाई दे रही है, इसमें एक ही अस्थि है ये वाली, यहां कोई ज्वाइंट नहीं है, देखें आप फिर क्लियर कर लें, इस जगह कोई ज्वाइंट नहीं है, ये एक ही अस्थि है, ये एक अस्थि है पूरी, लेकिन इसके तीन भाग हैं, इलियम, इस्चियम और प्यूबिस। सबसे बड़ा भाग इलियम होता है ये वाला, इस्चियम नीचे का भाग होता है और प्यूबिस ये जो येलो कलर में आपको दिखाई दे रहा है ये प्यूबिस भाग होता है, और इसके जो इस्चियम और प्यूबिस है वो जुड़कर एक खड्डा बनाती हैं, ये खड्डा बिल्कुल यहां दिख रहा है आपको ये सेंटर में, इसे बोलते हैं ऑब्टूरेटर फोरामेन, ऑब्टूरेटर फोरामेन, ऑब्टूरेटर फोरामेन। यहां से हमारी ब्लड वेसल्स और नर्व्स निकलती हैं, ब्लड वेसल्स और नर्व्स इसी खड्डे में से होकर निकलती हैं, ब्लड वेसल्स और नर्व्स इसी खड्डे में से होकर निकलती हैं ऑब्टूरेटर फोरामेन से, और ये तीनों अस्थियां जहां जुड़ती हैं वहां एक खड्डा और बनता है, खांच बनती है, खड्डा तो नहीं कह सकते हम, खांच बनती है, उस खांच को हम एसिटाबुलम बोलते हैं, एसिटाबुलम। इस एसिटाबुलम में फीमर का सिर आकर दसता है, ह्यूमरस का सिर ग्लिनोइड खांच में और फीमर का सिर एसिटाबुलम खांच में धंसा होता है। तो आप इसको साइड व्यू देखें तो आपको बिल्कुल क्लियर ये खांच दिखाई दे रही होगी, ये अब देखें आप तो आपको ये बिल्कुल स्पष्ट दिखाई दे रही है, ये खांच यहां धंसा होता है फीमर का सिर, तो इस प्रकार इसमें फीमर फीमर का सिर आकर धंसता है। अब चले हम बोन्स ऑफ लेग एंड फुट, तो हमारे पैर की अस्थियों में जिसमें सबसे बड़ी, हमारी बॉडी की सबसे बड़ी अस्थि फीमर, ये फीमर हो गई बॉडी की सबसे बड़ी अस्थि है फीमर। उसके बाद ये घुटने की अस्थि है पटेला, घुटने की अस्थि पटेला, फिर ये जो मोटे वाली अस्थि है ये टिबिया, और जो पतले वाली अस्थि है वो फिबुला, टिबिया फिबुला, टिबिया फिबुला, ये फिबुला, टिबिया फिबुला, तो चार तो यही आ गई। फीमर जांग की अस्थि है, जंघ अस्थि फीमर, पटेला घुटने की अस्थि होगी, टिबिया फिबुला नीचे वाले साइड पैर की नीचे वाली अस्थियां होगी, टिबिया फिबुला। अब चलें जो हमारा फुट है उसकी अस्थियां देखें अगर हम, तो ये फुट की अस्थियां आपको दिखाई दे रही हैं, जहां पर टिबिया फिबुला जुड़ती हैं आकर पैर के साथ, उस अस्थि को हम बोलते हैं टैलस, टैलस एंकल बोन, ये टैलस हो गई एंकल बोन, ये टैलस है एंकल बोन, टैलस एंकल बोन है। उसके बाद पहली टोर्सल जो होती है उसे टैलस बोला जाता है, पहली टोर्सल को, और उसके बाद जो एडी में आपको दिखाई दे रही है, एडी में जो टोर्सल आपको दिखाई दे रही है ये वाली, इसको बोलते हैं कैल्शेनियस, 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 हील बोन, हील बोन के नाम से इसे जाना जाता है, एंकल बोन टैलस है, ध्यान रखना टैलस जो है वो एंकल बोन है, टैलस एंकल बोन, और कैल्शेनियस हील बोन, हील बोन जो है वो कैल्शेनियस है। टोटल सात टोर्सल होती हैं, ये सात टोर्सल होती हैं जिसमें से पांच तो आपको ये दिखाई गई हैं, एक आ गई टैलस और एक आ गई कैल्शेनियस, तो सात टोटल
टोर्सल्स होते हैं। उसके बाद जो बिल्कुल हमारे पैर का तलवा है उसमें मेटाटोर्सल पाई जाती है, पांच पांच मेटाटोर्सल, और फिर वही 14 फलिंजस। ये पिछले वीडियो में भी मैं आपको काउंट करवा चुका हूँ, 14 फलिंजस। तो इस प्रकार 7 टोर्सल हो गई, 5 मेटाटोर्सल हो गई, 7 और 5 12, 14 फलिंजस हो गई, 12 और 14 26, एक टिबिया आ गई 27, एक फिबुला आ गई 28, एक पटेला आ गई 29, और एक फीमर आ गई 30। तो इस प्रकार एक पैर में 30, दूसरे पैर में भी 30, तो टोटल हो गई 60। तो इस प्रकार हमारी बॉडी के अंदर टोटल होती है 206 हड्डियां। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का वीडियो जिसमें हमने हमारे स्केलेटन सिस्टम के बारे में जाना। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है, समझ आया है, तो कृपया हमारे वीडियो को लाइक करना मत भूलिए, शेयर करना मत भूलिए, और साथ ही साथ हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन का बटन भी ऑन कर दीजिए, क्योंकि मिलते हैं ऐसे ही किसी इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ। धन्यवाद।